धरती पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो नास्तिक होता है, लेकिन जिस परिवार में वो बच्चा पल भर के बड़ा होता है तो उस परिवार का ईश्वर विश्वास, अल्लाह विश्वास, गॉड विश्वास उसके मन मस्तिष्क में समा जाता है। जन्म से नास्तिक बच्चा धीरे धीरे आस्तिक बन जाता है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चा बालिग और युवा और वृद्ध होता है। इस दौरान वो स्कूल कॉलेज जाता है और ज्ञान शिक्षा प्राप्त करता है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उसे ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ईश्वर आदि के बारे में पता चलता है। लेकिन आश्चर्य इस बात से होती है, जब एक बच्चा धरती पे नास्तिक रूप से जन्म लेता है लेकिन वयस्क होने साथ साथ वो एक आस्तिक बन जाता है, यानी ईश्वर विश्वासी बन जाता है। लेकिन समय के साथ साथ वो आस्तिक भी धीरे धीरे फिर नास्तिक बन जाता है। इसके पीछे ज्ञान, विज्ञान, तर्क होता है। लेकिन अनेक ऐसे लोग हैं जो मृत्यु तक आस्तिक बने रहते हैं, यानी ईश्वर विश्वासी, अल्लाह विश्वासी बने रहते हैं। दूसरी ओर कुछ बच्चे बढ़ती उम्र के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ वो नास्तिक बन जाता है और ताउम्र नास्तिक बना रहता है। उसके लिए ईश्वर एक अफवाह, अंधविश्वास होता है। लेकिन आज भी इस धरती पे ऐसे अनेक लोग हैं जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, दूसरी ओर अनेक लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, इसे अंधविश्वास कहते हैं। जो लोग आस्तिक यानी ईश्वर विश्वासी, अल्लाह विश्वासी, गॉड विश्वासी होते हैं, उनका कहना है ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है। ईश्वर की मर्जी से हम कर्म करते हैं, ईश्वर की मर्जी से ही हमें अपने कर्म के हिसाब से फल मिलता है। ईश्वर विश्वासियों के ऐसे तर्क का हम युक्तिवादी, तर्कवादी या नास्तिक व्यक्ति खंडन करते हैं। अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है तो क्यों आज सभी लोग ईश्वर विश्वासी, गॉड विश्वासी, अल्लाह विश्वासी नहीं है? क्यों आज इस धरती पे नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है? अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है तो हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो हम अपने आप डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाएंगे। एक अनपढ़ भी साइंटिस्ट बन के गैलेक्सी में जा सकता है। अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है तो हमें बीमार पड़ने पे डॉक्टर पास नहीं जाना चाहिए, अस्पताल नहीं जाने चाहिए। अगर ईश्वर की मर्जी से बीमारी हुआ है तो ईश्वर की मर्जी से ही हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, हमें दवा दुआ की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है तो हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर की मर्जी से ही हमें अपना पैसा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी। अगर ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है तो कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है, जो गुनाह करेगा उन्हें ईश्वर ही दंडित करेगा। लेकिन वास्तव में हम क्या देखते हैं कि ईश्वर की मर्जी की बात को छोड़कर जब कोई गुनाह करता है तो उसे कानून, अदालत दंडित करता है। ईश्वर की मर्जी की बात को हम दरकिनार करके मेहनत मजदूरी करते हैं, दो रोटी के लिए, पैसा के लिए। हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो खुद हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन ईश्वर की मर्जी के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं। अगर हमें ईश्वर की मर्जी से ही बैठे रहना पड़ता तो इलाज के लिए हम डॉक्टर पास नहीं जाते, अस्पताल नहीं जाते, दवाई नहीं लेते। लेकिन देखा जाता है जो लोग ईश्वर विश्वास करते हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं, गॉड के विश्वास करते हैं, वे भी जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर पास जाते हैं, दवा लेते हैं, अस्पताल जाते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि ईश्वर की मर्जी सिर्फ एक कहावत है, इसका वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड पर विश्वास करने वाले लोगों का दावा है कि भगवान से कुछ मांगो तो वो प्रसन्न होके जरूर देंगे, भक्त की मनोकामना पूर्ण करेंगे, यही भगवान का बड़ा दायित्व है। लेकिन इस पर हम तर्कवादी, युक्तिवादी या नास्तिक सवाल खड़ा करते हैं। अगर ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकती है, भगवान भक्तों की बात सुनता है, तो क्या हम भगवान से यह मांगेंगे कि पूरी दुनिया को नास्तिक बना दो, तो क्या भगवान पूरी दुनिया को नास्तिक बना सकता है? अगर हम भगवान से दावा करते हैं या मन्नत मांगते हैं
कि पूरी दुनिया को शिक्षित बना दो, क्या अनपढ़ लोगों को भी भगवान शिक्षित बना सकता है? उदाहरण के तौर पे यदि दो व्यक्ति एक दूसरे खिलाफ कोर्ट में मामला किया हुआ है और दोनों ही यदि भगवान से मन्नत मांगता है मामला जीतने के लिए, क्या भगवान अल्लाह या गॉड दोनों को ही मामले में जीत दिला सकता है? सवाल यहीं खत्म नहीं होता है। अगर दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है और दोनों देशों के जनता भगवान अल्लाह या गॉड के पास यह मन्नत मांगने पहुंचती है कि हमें जीत दिला दो, क्या भगवान या अल्लाह या गॉड दोनों देश को एक साथ जीत दिला सकती है? लेकिन वास्तव में ऐसा संभव कभी नहीं है, क्योंकि हम नास्तिक, हम तर्कवादी, हम युक्तिवादी की नज़र में भगवान अल्लाह या गॉड का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर अल्लाह गॉड एक कल्पना, अंधविश्वास और अफवाह है। ये अफवाह या अंधविश्वास ना तो कुछ दे सकता है, ना कोई मन्नत पूरी कर सकती है। अफवाह रूपी ईश्वर के पास कुछ मांगना मतलब बेवकूफ़ी है। काल्पनिक भगवान के पास किसी मामले में जीत दिलाने के लिए मन्नत मांगना भी मूर्खता है। काल्पनिक अल्लाह के पास यदि कोई ये मन्नत लेके जाता है कि हमें जीत दिला दो लड़ाई में, तो भी यह मूर्खता है। लड़ाई हो, मामला हो, या शिक्षा हो, या ज्ञान हो, उसे हमें खुद प्राप्त करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल कॉलेज की परीक्षा में पास करने के लिए हमें खुद पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। भगवान के भरोसे रहने से हम फेल कर जाएंगे। अगर हमें मामला जीतना है तो भगवान भरोसे हम बैठे नहीं रहते हैं, हम बड़े से बड़े अदालत पहुंचते हैं जहां हमें जानकार और अनुभवी वकील लेते हैं ताकि वो हमारे मामला को जिता सके। और कानून की नज़र में अगर हमारा मामला सटीक है तो हमें जीत मिल सकती है। इसी तरह से यदि कहीं युद्ध होता है तो युद्ध के पीछे रणकौशल होता है, शक्तिशाली सेना होती है, इसके साथ ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र होता है और उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए रणनीति और नेता भी चाहिए। बिना नेता, अस्त्र शस्त्र या ज्ञान से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करता है, भगवान से मन्नत मांगने से वो मन्नत पूरी होती है, यह पूरी तरह से अंधविश्वास, अफवाह और बेवकूफ़ीपूर्ण बातें हैं। ऐसी बातों से दूरी बनाए रखिए आप और अपने समय का किसी मानव कल्याण, ज्ञान अर्जन में या मेहनत में लगाइए। अपने परिवार के, समाज के उन्नति में अपने कीमती समय का इस्तेमाल करिए।